नवरात्र पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंदिरों और दुर्गा पंडालों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गुरुवार से नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम हैं। नौमी दुर्गा पूजा तथा जुलूस भी निकलता है, जिसको संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। एसपी सिटी ने बताया कि भीड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है तथा अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। अस्थायी पुलिस चौकी पर महिला हेल्प डेस्क को स्थापित किया गया है, जिससे अगर महिलाओं को किसी तरह की समस्या होती है तो वह सीधा महिला पुलिसकर्मी से अपनी बात कह सकें। एसपी सिटी ने बताया कि महिला चयन स्नैचरों की फोटो सहित सूची बनाकर सभी पुलिसकर्मियों को दे दी गई है तथा कोई चयन स्नैचर महिला मिलती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सर नवरात्र का पर्व से स्टार्ट हुआ है, सर इस तरह मंदिरों में काफी भीड़ होती है, चुनौती की ज्यादा शिकायत कर रहे हैं, इससे किस तरह से निपटने के लिए तैयारी? देखिए, नवरात्र का जो त्यौहार स्टार्ट हुआ है, इसमें अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे रामनवमी का भी कार्यक्रम है, दुर्गा पूजा भी है और कई जुलूस वगैरह निकलते हैं, तो इन सब के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन की ड्यूटियां लगाई गई हैं और अस्थायी चौकियों का भी निर्माण किया गया है। इस बार हमने एक नई पहल ये की है कि अस्थायी चौकियों पे हमने महिला हेल्प डेस्क भी रखा है, तो महिलाओं की जो समस्या होती है या कोई चेन स्नैचिंग या इस तरह की अगर कोई महिला चेन स्नैचर्स है, उनकी पूरी सूची बना के उनके फ़ोटो सभी पुलिसकर्मियों को दे दिए गए, अगर उससे कोई मैचिंग मिलेगा तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जनता से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई भी ऐसी सूचना है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने में या कोई अपराध होने की संभावना है, तो तत्काल हमें सूचित करें, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।